बस्ती जिले के महाराजगंज के नारायणपुर में हम हैं, जहां पर कुछ लोग भैंस चरा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो गांव देहात के रहने वाले हैं। इनका ज़मीन से ही जुड़ा है, दो चार बिस्वा ज़मीन है, खेती है, इसी में इनकी ज़िंदगी कट जाती है। इन्हें आम चुनाव और ख़ास चुनाव से कोई मतलब ही नहीं रहता है, न कुछ जान पाते हैं, न ये जान पाते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। सर, आप अपना नाम बताइए। रामनारायण यादव। रामनारायण जी, आपके पास कितने बिस्वा खेती है? हमारे अक्को बिस्वा नहीं है। काहे खेती कैसे नहीं है? दादा के नाम है तो दादा दे दी है, वो उतना होगा। अच्छा, दादा दे देंगे वही मिल जाएगा आपको? मिलेगा। हाँ, वही हाँ। वही तो अक्को नहीं है। अच्छा हाँ। तो कितनी भैंस चराते हैं? अभी है अपनी चराई थे, चार छह जने का मिलाई गए, चार भाई का भाई चराई था, तब कौन खा एक पाई, कौन बात करी। तो भाई साहब लोग की भैंस चराते हैं तो भाई साहब लोग कुछ देते होते हैं? भाई लोग सब अपन क्यों खेती करते, क्यों यहाँ रोहार नाते बातें आना जाना करते हैं, यही कुल में बाज रहते हैं, भाई गाँव में नहन मजूरी करें बस। तो आपके हिस्से में यही भैंस चराना है? ये भैंस चराई थे, यही माटा दूध तो मिल गया तो मिल गए। अच्छा, ये बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, कुछ जानकारी है? अब ये का तो हम ना ही बताए भाई, हम पढ़े ही ना ही जाए, हम जो मंत्री वंत्री का हाल हम ना ही बताए भाई। प्रधानमंत्री कौन है नहीं जानते हैं? नहीं। मुख्यमंत्री कौन है? मैं क्यों कुछ दिया बन के भैया, तो हम काओ जानी आपके लगे आई है, आपके लगे आई हो ना कुछ पाई। हाँ। तो काओ हम हमारे आप आइए दादाजी, आप भी आइए। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो गाय वाय पालने के लिए पैसा वैसा मिलता है, ये सब कभी आप जानते हैं किसी को मिला है कि नहीं? क्यों उसे कही कि थोड़े पास कर दो लोन, यही पर निकाल के कोनो काम है और दौर आई दिए। हाँ। तो क्यों निकाल है कहीं? अब बल्ब मतलब दो चार भैंस और लेकर के लोन वोन आप करना चाहे तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलत बा, नहीं मिली। हाँ। और लोन वोन नहीं मिलता बा, नहीं तो लोन मिले तो और यही पर कई लिए हम। अच्छा, आपके गाँव में किसी को कामधेनु योजना के तहत गाय वाय का लोन मिला है किसी को? होगा ही भैया, किसी को नहीं मिला है? नहीं बा। आपका कौन सा गाँव है? बिहरा भलुहिया बोला था। अच्छा, जगाऊपुरवा। हाँ हाँ। अच्छा, चुनाव आ गया है, जान रहे हैं कि नहीं? चुनाव तो आई ही भाई। हाँ, फिर से वोट डालना है? तो हम तो कहूँ ड्यूटी में चला, हम वोट पे नहीं दे, चाहे कोई जीते या ना जीता हम चक्का। अच्छा अच्छा अच्छा, दादाजी आपका क्या नाम है? हरिराम। हरिराम दादाजी, ये बताइए कि आप कितनी भैंसे हैं आपके पास? मेरे पास हो तीन ठू गाय हैं। अच्छा, आप गाय पालक हैं, गाय चलाते हैं, गाय चराते हैं? तो ये बताइए कि आप गाय वाय चराते हैं तो फायदा वायदा उससे होता है कि नहीं? कौन फायदा होता है, घरेलू बच्चे है वही दूध पाए जाते हैं ना, और कौन फायदा हुआ? बेच उच नहीं पाते हैं? कहाँ बेच बेच मिली कौन अपन जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये गाय पालने वाले के लिए पैसा वैसा मिलता है, वो सब में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? मिलता है ना, वो कहाँ ध्यान दी, क्यों कहाँ परेशानी था? अच्छा, नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आ गया है, आपको भी जानकारी है, सब लोग वोट डालेंगे? वोट काहे नहीं डालब, वोट वोट डालबे कर। अच्छा, मुकद्दर हुई थी अपन जीती ते प्रधानमंत्री बनी, हमरे तक हमरे वोट डाले खाली का प्रधानमंत्री बने। हाँ 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 हाँ, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं? ना सरकार हम पढ़े ना आए तो कहो जाने, ये गाय भैंस चराई थे जाई थे, ये खोटी खोटी घूमी का है। अच्छा, प्रधानमंत्री भी नहीं जानते हैं? मुख्यमंत्री क्यों ना है, कुछ नहीं जानते हम लोग, मुख्यमंत्री भी नहीं जानते हैं? अच्छा भैया, जरा आप भी आ जाइए और बताइए आपका नाम क्या है? राजेश कुमार यादव है। राजेश, अरे राजेश जी, आप पगड़ी बहुत अच्छा बांध रहे हैं, और ये बताइए कि कितनी भैंस हैं आपके पास? बस हम पिताजी का नौकर ही जान लियो, वही हमारे हम दोनों बाप चराव थे। तो आप कहे तक पढ़े हैं? इंटर पढ़े हैं। तो इंटर पढ़ने के बाद नौकरी वोकरी नहीं की आपने? क्यों नौकरी मिल बना ये तो करब कहाँ से? अरे नौकरी हाई स्कूल पास वालों को भी नौकरी मिल जाती है भैया। तो आप तो इंटर पास है ना? इंटर पास है। तो इंटर पास करने के बाद तो तमाम फार्म निकलते हैं, अप्लाई किया जाता है, लोग नौकरी पा जाते हैं, चपरासी उपरासी के लिए तो पांचवी पास है उसमें नौकरी मिली जाती है। अरे अब ना मिला तो भैया कहाँ। अच्छा, तो आप भी उसी यही पिताजी का काम करते हैं जो पिताजी कर रहे थे? अच्छा, तो आप बताइए, आप अगर 12वीं पास हैं तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हो रहा है? अरे अब जानते हैं, अब कहाँ जाने के बाद, जब जनता एक बार जगह देखते ही जीती वो बाबू। हाँ हाँ, नहीं नहीं तो सही है। प्रधानमंत्री को जानते हैं नहीं? प्रधानमंत्री कौन है जन? अरे जानते हो तो बताइए, डरिए नहीं, प्रधानमंत्री हमारे कौन है? अब कौन बताए, क्या बताइए हम?
जब प्रधान... जीती जे ते पाई नहीं ते पाई नहीं जो है जो आज प्रधानमंत्री है उनके बारे में वो कौन है तो मोदी है ये है अच्छा आज मोदी है मतलब हाँ जो यही पूछ रहे हैं कि आज तो मोदी है ना और इसकी चर्चा वर्चा गाँव वाँव में होती है कि नहीं कि चुनाव आ गया है अब कौन चर्चा वही भाई जब जब सब है दौड़ दवा अच्छा सब लोग दौड़ रहे हैं तो यहाँ से लोकसभा के लिए कौन कौन लड़ रहा है हम मत नहीं पता भैया छुट्टी है नहीं भाई तुम कहो बताई झूठ बोली हाँ, तो कैसे वोट देंगे जब यही नहीं जानकारी रहती है कि कौन लड़ रहा है बांध दिन जाई और दो घंटा काज के दिन जाई मोहन मारिया हुआ जाई अरे नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब जानेंगे नहीं कौन लड़ रहा है तो ओटवा किसको दे देंगे अरे आठ जने ठाड़ होते हैं लड़े वाले बतावा दिल हो गए कि लड़न तो है ही हैं हाँ। अब चाहे मुलायम कह दियो चाहे मोदी के दियो चाहे तो नहीं हुआ पलरा घूम जा वही और तेकर हुए अच्छा आप घूमा हो तो आप एक हुए और नहीं को तियाला माल लेके तेकर हो गए अच्छा ये पलरा घूम जाता है उसी का हो जाता है रास्ता तो बड़ा रहा सा है तब घूम के आपो आई गो वैसे पर याद है कि यही दियो नहीं दियो ये तो बात है वैसे राह पर याद है वैसे इस बार पल्ला किधर घूम रहा है अब वही तो सब सबका भजत बा देखो क्या क्या कह दिया था तो मोदी का भजत अभी मोदी का अभी सब मोदी का भजत बा मोदी सब भजत बा कैसे 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 हाँ अजंता पब्लिक ये कहते कि मोदी सबका बड़ा रुपया देते मोदी दकाव करते तो सबका देते रुपया तो आपको भी दिए होंगे मिला आपको नहीं भैया करनी नहीं तब कैसे आप कह रहे हैं सबको रुपया दे रहे हैं हल्ला किया है ना वो कैसे कह रहे हैं तो खाली हल्ला किया जा रहा है मोदी रुपया दे रहे हैं हाँ रुपया मिल नहीं रहा है आपको भी नहीं मिला आपको पैसा नहीं मिला दो चार हजार तो मिला होगा आपको पैसा नहीं मिला अच्छा आप बताइए आपको 10,000 मिला है मोदी का नहीं भैया तब कैसे का हल्ला हो रहा है मोदी पैसा दे रहे हैं अरे भैया ये तो राजकाज हो क्यों कुछ कहे हमसे का परेशानी है हाँ। हम कहा कर जाइए आपको हो ही उड़ाओ कि रंडी बाज हो कि रंडी हो क्या हो हाँ। हमसे क्या मतलब पड़ी हाँ। है आपन तो करबो तो पाई तो हम करब तो हम पाई गैर काम की है दाम मिलेगा नहीं मिलेगा तब काम आपका करब तब दाम मिली दाम मिलेगा हाँ, लेकिन गांव में हल्ला है कि मोदी पैसा दे रहे हैं अभी है घर वर बनवाए दिन लाइटरी रूम वूम बनवाए दिन बिजली तो कहाँ फ्री गई दिया है ये कुल सुना था और का सुनी तो मतलब सुनी रहे हुआ भी है अरे हो ही गए बा बहुत जने कई बात ना है बहुत जने ना हम तो नहीं पाए है अपने नाव तो कहाँ करी है आप नहीं पाए हैं पाए ही शायद अच्छा हमारे नाव खेते बारी ना ये कहाँ बनवाई है दादा का नाव रहा दादा पाए है एक अच्छा दादा कोई मिला है क्या मिला लाइटिंग लाइटरिंग का पैसा पाए रहे 12,000 रुपया तो बनवाए उन्होंने लाइटिंग की नहीं बनवाए हैं फायदा हुआ है इतना उतना फायदा हुआ है तो आप देख सकते हैं जी रहे ना बताई भाई हाँ नहीं नहीं ठीक है बढ़िया तो नहीं मिलेगा तो नहीं बताई ठीक है हाँ तो देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में गांव देहात के लोगों का भी ये कहना है कि योजनाओं को लेकर के बहुत गुणगान हो रहा है कहा जाता है मोदी पैसा दे रहे हैं लेकिन पैसा वैसा नहीं मिला है लेकिन आप बता रहे हैं एक यादव जी क्या नाम था आपका रामनयन यादव की इनके भाई को 12,000 रुपया शौचालय बनवाने के लिए मिला है ये सच बोल रहे हैं चलिए आगे आपको कहीं और लेकर चलेंगे फर्क इंडिया के लिए अखिलेश किशमोहन घंटी बजाइए और YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए